भूषण ने क्या कुछ कहा वो आपने सुना, एक और उनका बयान सामने आया वो भी आपको बता देते हैं उनका क्या कुछ कहना है। एक अखाड़ा और एक परिवार ही विरोध कर रहा है ये लगातार ब्रजभूषण कह रहे हैं कि बाकी पहलवान क्यों इसका विरोध नहीं कर रहे, क्यों उनका विरोध नहीं कर रहे, क्यों इसमें वो शामिल नहीं है धरने में, समाज को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं तमाम पहलवान, मैं जाट समाज के बच्चों की लड़ाई लड़ रहा हूं, उनके भविष्य के लिए लड़ रहा हूं और इनको सब कुछ मिल चुका है, इनकी उम्र हो चुकी है, अब ये लड़ने लायक नहीं रहे, इस तरह की तमाम बातें जो है ब्रजभूषण की तरफ से सामने आई हैं। उन्होंने कहा है कि ये एक ही अखाड़ा है जिस अखाड़े से ये तमाम पहलवान आते हैं और एक ही परिवार है और पहले 7 ओलंपियन धरने पर थे, अब 3 बचे हैं, ये भी उनका कहना है। ये तमाम चीज उन्होंने कही है और क्या कुछ उनका कहना है ये आपको सुनवाते हैं। हरियाणा में विरोध नहीं है। अभी एक नेशनल हमने कराया था, आपने देखा होगा 300 कुछ बच्चे हरियाणा के पार्टिसिपेट किए हैं। हरियाणा में विरोध नहीं है, एक अखाड़ा और एक परिवार। परिवार देख रहे हैं आप, ये जीजा साली क्या क्या चल रहा है, परिवार आपको दिखाई पड़ रहा है। 3 लोग बचे हैं, पहले 7 ओलंपियन धरने पर बैठे थे, अब 3 बैठे हैं, 9 बैठे थे, अब 3 बैठे हैं। पहलवान इनके सपोर्ट में आ नहीं रहे हैं, अब इन्होंने खाप पंचायत को आमंत्रित किया, भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, अपने समाज को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। मैं जाट समाज के लोगों से कहना चाहता हूं कि मैं ये लड़ाई आपके बच्चों की लड़ रहा हूं, इनको तो सब मिल चुका, इनको तो सब नवाजा जा चुका है, पद्मश्री इनके पास है, अर्जुना अवार्ड इनके पास है, द्रोणाचार्य इनके पास है, भारत रत्न इनके पास है, लेकिन वो बच्चे जो गरीब परिवार के अभी हैं और अपना खून पसीना बहा रहे हैं और परिवार भी कहीं ना कहीं अपने आप अपनी जरूरतों को रोक करके कटौती करके उन पहलवानों का भरण पोषण कर रहा है, उनकी जरूरतें पूरा कर रहा है, ये लड़ाई तो हम उनकी लड़ रहे हैं, इनको तो सब मिल चुका है, अब ये खेल